हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बिहार होमगार्ड एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे बिहार होमगार्ड की या फिर बिहार की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए गाइज, ये इसका मॉडल पेपर नंबर दूसरा होगा। इससे पहले मैंने इसका मॉडल पेपर नंबर एक अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए। देखिए, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप में टेली लाइव टेस्ट रात के 10 बजे लिया जाता है। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 50 रुपये। तो 50 रुपये आप इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 6392409447। इस पेटीएम नंबर पर आप 50 रुपये फीस के तौर पर ट्रांसफर कर सकते हैं और लगातार 1 महीने तक लाइव टेस्ट दे सकते हैं। देखिए, लाइव टेस्ट में बिहार होमगार्ड के लिए, सीआरपीएफ पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए और जो भी हाल ही में बिहार फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है उसका लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। यानी कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो लाइव टेस्ट है आपका, वो इस ग्रुप के माध्यम से लिया जा रहा है। तो जल्दी करिए और इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए और फीस जमा कर सकते हैं इस पेटीएम नंबर पर। फीस आप ट्रांसफर करिए इस पेटीएम नंबर और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए गाइस, एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पुट अप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। ऑप्शन बी, केरल और तमिलनाडु। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा। ऑप्शन डी, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? 1757 में, 1765 में, 1773 में, 1792 में। ऑप्शन सी, 1773 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 2019 में किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला। ऑप्शन सी, मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया? अभी अहमद, पीटर हेडके, ओल्गा टोकार जुकोक, वॉब डिलन। ऑप्शन की जो बी है आपका, पीटर हेड के, ये सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 22 से 26 नवंबर 2019 तक भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना सबसे पहला दिन रात टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था? श्रीलंका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश। ऑप्शन डी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के सिवन, ए एस किरण कुमार, शैलेश नायक, के राधाकृष्णन। ऑप्शन ए, डॉक्टर के शिवन। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? 11, 9, 10, 12। ऑप्शन सी, 10।
अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी प्रथनकों पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन, बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्टि तकनीक का प्रयोग करते हैं? OCR, MICR, OMR, पिक्सेल्स। ऑप्शन बी, MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात नालिकाओं वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरी बालिका योजना किस वर्ष में और कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? 125, 150, 275, 300। ऑप्शन डी, 300। अगला क्वेश्चन देखिए, हरदौन कथा विशेष रूप से डॉट के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। मिर्जापुर, बुंदेलखंड, अवध, ब्रज। ऑप्शन बी, बुंदेलखंड। डॉट क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। हरित, श्वेत, लाल, नीली। ऑप्शन बी, श्वेत। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर GST को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3, 4। वस्तु एवं सेवा कर GST को कुल 4 घटकों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष किस वर्ष में लागू किया गया था? 1964, 1969, 1972, 1981। तो गाइस ये लागू किया गया था 1969 में। अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है? 101, 102, 103, 104। ऑप्शन सी, 103। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? 1947, 1951, 1953, 1957। देखिए 1951 में संविधान का संशोधन किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कौन सा है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है केरल। ऑप्शन जो ए है आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? अनाईमुड़ी, मिस पुलीमाला, मसीनागुड़ी, वाघमोन। ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? धौलाधार पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला। ऑप्शन सी जो है आपका, पीर पंजाल पर्वतमाला, ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं? रिट्स, रेस, प्लेटर, रंस। ऑप्शन
ऑप्शन डी डन्स। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैजिया का दक्षिणी भाग है, जिसमें उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। यूरेशियाई प्लेट, तेतिस सागर, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, गोंडवाना भूमि। ऑप्शन डी गोंडवाना भूमि। 26वां क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार, दक्कन ट्रैम्प, सिंगूर पठार, रोहतास पठार। तो गाइज, इसको बोला जाता है दक्कन ट्रैम्प, ये आपको ध्यान रखना है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के दक्षिणी ओर स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए और आंसर बताइए। ऑप्शन डी महानदी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया था? 1819, 1825, 1829, 1832। तो ये कानून इन्होंने 1829 में पारित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईएएस अधिकारी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? 1862, 1876, 1884, 1891। ऑप्शन सी 1884। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी, को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वेकबूर से प्रकाशित किया जाता था? जीडी कुमार, तारकनाथ दास, लाला हरदयाल, अजीत सिंह। तो दोस्तों, ये थे हमारे बिहार होम गार्ड के लिए टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन आपका है, जीडी कुमार, ये सही हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।